देखिए अब तो यहाँ से तो हो जा रहा है, अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो क्या करेगी, और हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी किस तरह से महागठबंधन की सरकार में काम कर रहे हैं, जनता तक पहुँच रहे हैं, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हम सबके लिए काम हो रहा है, जिसे देखकर भाजपा डर गई है और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की साजिशें रची जा रही है, तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और इसी से जनता में ये आक्रोश है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसे डिस्टर्ब ना करें। देखिए अब तो यहाँ से तो हो जा रहा है, अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि वो क्या करेगी, और हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी किस तरह से महागठबंधन की सरकार में काम कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हम सबके लिए काम हो रहा है, जिसे देखकर भाजपा डर गई है और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की साजिशें रची जा रही है, तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और इसी से जनता में ये आक्रोश है कि जनता द्वारा चुनी सरकार है उसे डिस्टर्ब ना करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।